एक बुजुर्ग एक पहाड़ी के किनारे आराम करते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन और आसूदा थे। उनके पास एक घोड़ा था जिस पर वो सवारी किया करते थे। उनका एक प्यारा सा बेटा था जिसको देखकर वो अपनी आंखें ठंडी किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स भागा भागा इन बुजुर्ग के पास आया और आकर कहने लगा कि घोड़ा आपके बेटे को गिराकर भाग गया है और कहीं गुम हो गया है। घोड़े से गिरने की वजह से बेटे की टांग टूट जाती है। वो बुजुर्ग बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें भी कोई खैर और भलाई होगी, क्योंकि जो कुछ भी होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग बेटे की मरहमपट्टी करना शुरू कर देते हैं। चंद दिनों बाद ही बादशाह के सिपाही इस गांव में आते हैं और आकर सारे नौजवानों को जंग के महाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो लड़का अपनी टांग की माजूरी की वजह से बच जाता है। वो सिपाही अपने साथ सारे मवेशी और घोड़े भी ले जाते हैं ताकि जंग में काम आ सके। चंद दिनों बाद ही वो घोड़ा भी चरता चराता घर वापस आ जाता है। यूं उस बुजुर्ग का शुरू में होने वाला नुकसान बाद में उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हमारे हालात भी जैसे भी हो, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि कुदरत हमें हमारे गुमान के मुताबिक अता करती है।